हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टर्म्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक सर्किट। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू द मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि कोई चीज को हमें पहचानना है तो हमें उसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम उसे देने पड़ेंगे। तो वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जानने के पहले हमें उसके जो डिफरेंट टर्म्स है उसे पढ़ना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक सर्किट के डिफरेंट टर्म्स कौन से हैं? तो पहला है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसे हम बोलते हैं एमएमएफ। तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ जरूरी है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में मैग्नेटोमोटिव फोर्स है क्या? सो इट कैन बी डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इसका मतलब क्या है? समझ लो कि आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर आपने कोई कॉइल को वाउंड किया है और फिर इसमें से अपने करंट आई को पसार करते, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट्स हाउ वी कैन कॉल इट्स अ कैपिटल एन, और जो करंट फ्लो हो रहा है आई, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन में दिखाया गया है Fm is equal to I into N, जहाँ पे Fm में N क्या डिनोट करता है? तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को डिनोट करता है, जबकि F है वो फोर्स को डिनोट करता है। So Fm is equal to I into N। तो उसका यूनिट कैसे डिफाइन होगा? तो उसका यूनिट बहुत ही सिंपली अपने डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि करंट I है तो उसका यूनिट क्या है? तो एम्पियर है, तो उसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। और N का जो है वो टर्न्स है, तो पूरे जो MMF है तो उसका यूनिट क्या बन जाएगा? तो I into N मतलब कि एम्पियर into टर्न्स, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम, दैट्स अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा जो टर्म है मैग्नेटिक सर्किट का वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं? तो हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट हो तो उसके अराउंड रीजन में वो क्या करता है? तो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपने उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो जितने ताकत से उसके ऊपर फोर्स लगाता है उसे अपने क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपने डिफाइन कैसे करेंगे? सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। तो हमने जो आगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तो उसको अपने कोई पर्टिकुलर लेंथ पे अगर मेजर करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, तो फिर से जो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ठीक है, उसे को अगर हम कोई कंडक्टर के पर्टिकुलर लेंथ पे अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसे अगर हमें डिनोट करना है तो उसे हम कैपिटल एच के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। और उसका यूनिट तो बहुत ही सिंपली है, पहले हम उसका क्या करेंगे? तो इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द इट्स डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम उसका इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनता है? एमएमएफ बाय एल, मतलब कि एच इज इक्वल टू एमएमएफ बाय एल। तो हमने पहले ही देखा एमएमएफ का यूनिट क्या है, तो एम्पियर टर्न्स है, ठीक है, लेंथ है, तो उसका यूनिट क्या होगा? तो मीटर होगा। तो टोटली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका यूनिट होगा एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट हम तीसरा टर्म्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक सर्किट, एंड दैट्स वन परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी किसे बोलते हैं? तो उसके नाम से पता चलता है परमेबिलिटी मतलब कि परमिट करना, ठीक है, किसे परमिट करना? तो कोई भी हम जानते हैं हर कोई मटेरियल होता है, जैसे कि वुड है, तो वुड में अपने मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? तो हर एक मटेरियल की अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो परमेबिलिटी किसे बोलते हैं? तो इट इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल टू अलाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज अ परमेबिलिटी। इसका मतलब है कि मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसे कितना अलाउ करता है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? परमेबिलिटी बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है? अगर उसे हमें डिनोट करना है, उसे रिप्रेजेंट करना है परमेबिलिटी को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द म्यू। उसका जो यूनिट है वो क्या है? हेनरी पर मीटर। उसका यूनिट क्या है? हेनरी पर मीटर, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इनटू म्यू आर, वेयर म्यू इज वी कैन कॉल इट अ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। म्यू को क्या बोलेंगे? तो जो अपने पास मटीरियल है उसकी जो एक्चुअल में जो परमेबिलिटी होती है, ठीक है, जिसे अपने बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी।
म्यू जीरो क्या है, तो परमीएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, मतलब कि एयर और वैक्यूम की परमीएबिलिटी कितनी है, वो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, म्यू जीरो बोलेंगे। और म्यू आर जो है वो क्या है, तो रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल। तो रिलेटिव परमीएबिलिटी क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो क्या है, दैट्स द रिलेटिव परमीएबिलिटी। तो रिलेटिव परमीएबिलिटी किसे बोलते हैं, तो हमने पहले ही देखा एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी, जो मटेरियल की अपनी खुद की परमीएबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एयर और वैक्यूम की परमीएबिलिटी, तो अगर हम एयर और वैक्यूम की परमीएबिलिटी है, अब उसको मटेरियल की परमीएबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, अपनी रिलेटिव परमीएबिलिटी बन जाती है। सो व्हाट इज द रिलेटिव परमीएबिलिटी, सो व्हेन द परमीएबिलिटी ऑफ मटेरियल इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द एयर और वैक्यूम, then it is called relative permeability। इसका मतलब क्या है, किसी मटेरियल की परमीएबिलिटी को अगर हम एयर और वैक्यूम की परमीएबिलिटी के साथ कंपेयर करते, उसके अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंट करते, तो वो क्या बन जाती है, अपनी रिलेटिव परमीएबिलिटी बन जाती है। तो एयर और वैक्यूम की अगर हम रिलेटिव परमीएबिलिटी की बात करें, तो उसको अपने एयर और वैक्यूम की परमीएबिलिटी के साथ ही कंपेयर करेंगे, तो उसकी परमीएबिलिटी क्या बन जाती है, 1। तो ये हमेशा याद रखेंगे, एयर और वैक्यूम की रिलेटिव परमीएबिलिटी कितनी होगी, 1। और अगर रिलेटिव परमीएबिलिटी को अपने दिखाना है, और परमीएबिलिटी का इक्वेशन क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो अगले नेक्स्ट टर्म्स के बारे में अपने देखते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक सर्किट, और वो है रिलक्टेंस, ठीक है। तो रिलक्टेंस किसे बोलेंगे, तो हमने अगली डेफिनेशन में देखा कि जो मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स करने के लिए अगर उसे अलो करता है, तो उसे अपने परमीएबिलिटी बोलते हैं। तो टोटल उसका ऑपोजिट, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए अपोज करता है, ठीक है, मतलब कि मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस बोलेंगे। सो वेरी क्लियर डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल टू अपोज द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज द रिलक्टेंस, ठीक है। अगर अपने उसे इक्वेशन के रूप में डिफाइन करना है, तो उसको इस डेफिनेशन के रूप में भी अपने लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटोमोटिव फोर्स टू द फ्लक्स प्रोड्यूस इन द मैग्नेटिक मटीरियल इज नोन एज रिलक्टेंस, ठीक है। तो फ्लक्स एमएमएफ बाय फ्लक्स वी कैन कॉल इट्स अ रिलक्टेंस, इट इज सिमिलर टू द रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने जो क्या करता है, जो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, तो अपने उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। अपने उसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो इट विल बी डिनोटेड बाय द कैपिटल एस, और उसका यूनिट क्या होगा, तो एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। रिलक्टेंस का यूनिट क्या होगा, एम्पियर टर्न पर वेबर, और उसका इक्वेशन होगा जो अगले हमने डेफिनेशन बताई वैसे ही, तो S इज इक्वल टू MMF बाय फ्लक्स, और MMF का यूनिट हम देख चुके हैं अगली डेफिनेशन में, I इनटू N, और फ्लक्स को हम कैसे, तो phi के रूप में डिनोट करेंगे। सो उसका यूनिट बहुत ही सिंपली हो जाता है, I इनटू N का यूनिट है एम्पियर इनटू टर्न्स, और phi का यूनिट है वेबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो एम्पियर टर्न पर वेबर। नेक्स्ट टर्म के बारे में हम देखते हैं परमियंस, ठीक है। परमियंस का मतलब क्या होता है, परमिट करना, ठीक है, किसे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने लिए। तो हमने पहले जो देखा परमीएबिलिटी, वो क्या करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करता है। नाउ कितनी इजीली, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन कितने इजीली हो रहा है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, परमियंस बोलेंगे, ठीक है। सो इट इज इनवर्स ऑफ रिलक्टेंस, वो रिलक्टेंस के क्या है, टोटली अपोजिट, ठीक है। सो परमियंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिलक्टेंस। द परमियंस इंडिकेट्स हाउ इजीली द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द मटेरियल, ठीक है। सो परमियंस किसे बोलेंगे, तो मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, परमियंस बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, उसे अपने रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, डेल्टा, और उसका यूनिट है वेबर पर एम्पियर टर्न, उसका यूनिट क्या है, वेबर पर एम्पियर टर्न। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, तो अपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर ली, ठीक है, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, तो उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो कितनी नंबर की है, मतलब 4 है, 5 है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है, ठीक है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इसमें अपने डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है,
द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन एग्जिस्ट इन द पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स. द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड इट्स यूनिट इज वेब. नेक्स्ट टर्म है फ्लक्स डेंसिटी. तो फ्लक्स डेंसिटी किसे बोलते हैं? तो अपने पहले ही देखा है कि डेंसिटी किसे बोलते हैं. तो जो पर यूनिट वॉल्यूम में अपने मास होता है तो उसे अपने मैकेनिकल के अकॉर्डिंग डेंसिटी बोलते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में अगर अपने बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी किसे बोलते हैं? तो फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द फ्लक्स पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी. उसका मतलब क्या है कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना फ्लक्स लाइंस पास हो रही है तो उसे अपने क्या बोलेंगे? फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे. तो जैसे ही फ्लक्स लाइंस तो कोई पर्टिकुलर अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं और उसमें फ्लक्स लाइन बढ़ती जाती है तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होती जाती है? तो इंक्रीज होती जाती है. अगर उसे अपने डिनोट करना है तो उसे डिनोट करेंगे बाय कैपिटल बी. सो कैपिटल बी इज इक्वल टू फ्लक्स बाय एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स को अपने कैसे उसका यूनिट क्या है? तो फाई है. ठीक है, एरिया का अपने कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए के द्वारा. तो उसका यूनिट बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिनोटेड बाय द कैपिटल बी. उसका यूनिट क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं? तो टेस्ला भी बोलते हैं. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय बी इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू कैपिटल एच. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टर्म है फ्लक्स डेंसिटी. अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लक्स लिंकेज. ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज किसे बोलते हैं? सो अपने जानते हैं कि जब भी कॉइल में से अपने समझ लो कि n नंबर ऑफ कॉइल्स है. ठीक है, n नंबर ऑफ कॉइल के अंदर टर्न्स है. ठीक है, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स फाय पसार हो रही है तो उन दोनों के जो मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं. एक कंडक्टर है, उसके ऊपर कॉइल है, उसमें n टर्न्स है और उसमें जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कौन सा है? फ्लक्स फाय. तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसे अपने क्या बोलेंगे? फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे. सो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाय लिंक्स विद अ कॉइल ऑफ n टर्न्स देन इट इज कॉल्ड अ फ्लक्स लिंकेज. सो फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू n इनटू फाय. ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स किसे बोलेंगे? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट on another magnet or on magnetic material that is called a magnetic force. ठीक है, तो अपने magnet के द्वारा another magnetic material और magnet पर कितना force लगाते हैं तो उसे अपने क्या बोलेंगे? तो magnetic force बोलेंगे. So बहुत ही simple definition है. Next हम देखते हैं, तो अगली जो definition से उसे देखने के लिए हमें दो terms को समझना होगा. वो एक है fringing और दूसरा है leakage. तो आपको figure में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक air gap है. ठीक है, तो वो जो अपनी पूरा जो ये फिगर है वो मैग्नेटिक सर्किट है. ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें क्या है? एयर गैप है. ठीक है, तो अभी जब भी फ्लक्स जो है आपका वो मैग्नेटिक सर्किट में से पास हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? तो यहाँ पूरी सर्किट में वो पास हो रहा है, लेकिन जब एयर गैप आती है तो उसके अराउंड में एयर गैप में क्या होता है? वो पूरी टोटली गैप होती है. तो उसमें से जब भी फ्लक्स पास होता है तो वो क्या होता है? तो एयर गैप में से बाहर निकल जाता है. तो वो जो फ्लक्स स्प्रेड हो रहा है इनटू द आउटर सरफेस तो उसे अपने क्या बोलेंगे? फ्रिंजिंग बोलेंगे. लेकिन उस तरफ देखिए तो वहां पे क्या है? तो आपकी टोटली जो मैग्नेटिक सर्किट है वो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी फ्लक्स क्या हो रहा है? तो आउटसाइड डायरेक्शन में पास हो रहा है. तो वहां पे मैग्नेटिक लाइंस जो है वो अपना पाथ चेंज कर रही है. ठीक है, वहां पे कोई एयर गैप अवेलेबल नहीं है. तो जब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो बाहर निकलता है तो उसे अपने क्या बोलेंगे? लीकेज बोलेंगे. तो बहुत ही सिंपल ये दो टर्म्स है जो अपने अगले देखने वाले तो वो इस फिगर के अकॉर्डिंग बहुत ही इजीली समझ सकते हैं. तो पहला है फ्रिंजिंग. तो फ्रिंजिंग को किसे बोलेंगे? द टेंडेंसी ऑफ द यूजफुल फ्लक्स टू स्प्रेड आउटवर्ड व्हेन पासिंग थ्रू द एयर गैप इज नोन एज अ फ्रिंजिंग. ठीक है, वंस अगेन, द टेंडेंसी ऑफ द यूजफुल फ्लक्स टू स्प्रेड आउटवर्ड व्हेन पासिंग थ्रू द एयर गैप इज नोन एज फ्रिंजिंग. ठीक है, समझ लो कि जो टोटली हमारे मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसे अपने क्या बोलेंगे? टोटल फ्लक्स बोलेंगे, जिसे अपने डिनोट कर सकते हैं फाई टी द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट है फाई यू. तो जो यूजफुल फ्लक्स है तो जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इसमें से अपने कितने फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अपने क्या बोलेंगे? यूजफुल फ्लक्स बोलेंगे. और जो वेस्ट हो रहा है तो उसे अपने क्या बोलेंगे? लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, जिसे अपने डिनोट कर सकते हैं फाई एल के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म जो है वो है लीकेज फ्लक्स, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया. सो इन मैग्नेटिक सर्किट नॉर्मली द फ्लक्स इज रिक्वायर्ड इन द एयर गैप. नाउ ऑल द फ्लक्स प्रोड्यूस इज नॉट अवेलेबल इन द एयर गैप, जो हमने फिगर में अभी देखा था.
So due to this, this is because some flux lines take different paths and are not available for use. We can call it sir leakage flux. ठीक है, तो वो जो एयर गैप में से पसार नहीं हो रही है और कुछ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो अपना पाथ चेंज कर रही है जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो अपने उसे क्या बोलेंगे, लीकेज। और ये फ्लक्स के बारे में अपने बात कर रहे हैं तो उसे अपने बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है लीकेज फैक्टर। तो लीकेज फैक्टर किसे बोलेंगे, सो द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स टू द यूजफुल फ्लक्स इज नोन एज अ लीकेज फैक्टर। मतलब कि टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है और उसमें से कितना फ्लक्स यूज हो रहा है तो उन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसे अपने बोलेंगे लीकेज फैक्टर। तो लीकेज फैक्टर को अपने डिनोटेट कर सकते हैं बाय लैम्ब्डा। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, जिसे अपने बता सकते हैं 5T/5U। ठीक है, सो फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा इज यूजुअली 1.15 to 1.25। सो जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसके लिए जो अपने लैम्ब्डा की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, तो 1.15 to 1.25 के बीच में होनी चाहिए। तो आज हमने जितने भी टर्म्स देखे तो उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आते तो वो इस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप में उसे सॉल्व कीजिएगा, फिर अगर आपको उसके आंसर सही आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हमने रखी है, तो वहां से आप उसे देख लीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो थैंक यू।